बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर आई हैं, मोदी सरकार पर ट्वीट वार करती रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तो मायावती इस पर एक्टिव थी ही, वहीं चुनाव के बाद भी उनके सरकार पर वार जारी हैं। आज एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार पर वार किया है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर मोदी सरकार दावा करती है कि उसके राज में तीनों समस्याओं पर वार किया गया है। लेकिन सच क्या है ये जग जाहिर है। बेरोजगारी 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और उसकी मार गरीबों को सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर वार किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी और इनकी केंद्र सरकार अपनी हर कमी, गलती और जन विरोधी नीतियों आदि को सही ठहराने के लिए पिछली सरकारों की गलतियों का जो सहारा लेती रहती है, क्या ये उचित है? क्या इनके ऐसे रवैये से गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, सत्ता का दुरुपयोग आदि समस्याओं से देश को मुक्ति मिल पाएगी? यह मायावती ने पूर्व की सरकारों का बचाव किया है और साथ ही मोदी सरकार पर बड़ा वार भी किया है, जिस पर अब बीजेपी क्या पलटवार करती है ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।